धर्म लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों है मूषक यानी कि चूहा गणेश जी की सवारी? क्या आप जानते हैं इतने भारी भरकम गणेश जी ने छोटे से चूहे को क्यों चुना अपना वाहन? इसके पीछे की कथा हमें मिलती है गणेश पुराण में। मगर इससे पहले कि मैं आपको वो सुनाऊं, जल्दी से हमारे चैनल धर्मा लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एक समय राजा इंद्र की सभा जो है वो चल रही थी। सभा में एक गंधर्व था जिसका नाम था क्रौंच, जो कि सभी के साथ मिलकर इंद्र का मनोरंजन करने के बजाय बाकी की अप्सराओं संग हंसी खेल में मग्न था। ये देखकर इंद्र को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रौंच को चूहा बना दिया। चूहा बनकर भी क्रौंच की शैतानी जो है वो कम नहीं हुई और वो ऋषि पराशर के आश्रम में जा घुसा। वहां घुसकर उसने आतंक मचा दिया, आश्रम के सारे बर्तन फोड़ डाले, सारा अन्न खराब कर दिया और सारे पेड़ों की जड़ें काट दी। ऋषि पराशर ने दुखी होकर श्री गणेश को याद किया और उन्हें अपना पूरा दुख बताया। गणेश ने पराशर को सांत्वना दी और उनसे कहा कि वो इस चूहे को अपना वाहन बना कर रहेंगे। उन्होंने अपना पाश फेंका जो कि मूषक को बंदी बनाकर उनके पास ले आया। चूहा बना क्रौंच डर के मारे पहले तो बेहोश हो गया और उसके बाद जब होश में आया तो गणेश से अपने प्राणों की रक्षा की विनती करने लगा। गणेश मान गए और चूहे को वर मांगने को कहा। क्रौंच भी अहंकारी था, उसने भी कहा, श्री गणेश, आपने मेरे प्राण मुझे लौटाए तो बदले में मैं भी आपको एक वर देना चाहता हूँ। गणपति हंसे और उन्होंने कहा, ठीक है, वर में मैं आपको अपनी सवारी के रूप में चाहता हूँ। ये कहकर वो उसकी पीठ पर बैठ गए और चूहे का तो दम ही रुक गया। तब उसका अहंकार टूटा और उसने श्री गणेश से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं सारा जीवन आपकी सवारी बनूंगा, बस आप अपना वजन मेरे वहन करने यानी सहने लायक बना दीजिए। श्री गणेश ने उसकी बात मानी और इस प्रकार उन्हें मूषक की सवारी मिली। क्या आपको पता थी ये कथा? अगर हाँ तो नीचे जय श्री गणेश लिखकर जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें ये प्यारी सी कथा नहीं पता। ऐसी और वीडियोस और ज्ञान के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।